Today's my topic is success. Success and good health as the major of satisfaction and happiness you have is the major part of your life. Success does not have any cause or event. It's all something that does not make a difference in what you will in the past. It is important what you are in the present. The best approach to success is anything but a straight on. It has lots of exciting bends in the road and in some cases you turn into the life of a person. To get successful in your life, most importantly, you need to set your objective to things which help. It will help you in making progress. Thank you. Moses Principal, Asasa Karam, all mere aziz saathiyo, assalamu alaikum. मेरा नाम अरिजबा सिद्दीक है और मैं जमात आठवीं की तालिबा हूँ। मेरा आज का मौजू है उस्ताद का मकाम। ये जो हमारी दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। साथियों, ये उस्ताद का काम है कि वो हमें जहालत की तारीखियों से निकालकर इल्म की नौरानी दुनिया में लाते हैं। उस्ताद हमें अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं, अपने शऊर को निखारते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि जिंदगी के मराहल से आसानी से गुजर सके। ये उस्ताद ही है जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुश्किल हालात का मुकाबला ऐसे तरीके से कर सके और अपने माशरे और खानदान के लिए मुफीद साबित हो सके। देखा ना कोई कुंभकर्ण फरहाद के बगैर आता नहीं कोई फल उस्ताद के बगैर। साथियों, दरअसल तदरीस ऐसा पेशा है जो पैगंबरों की मीरास है। कुरान मजीद में भी कई जगह इन वालों और जाहिलों का फर्क बयान किया गया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया वो मेरा आका है और मैं उसका गुलाम। वो चाहे तो मुझे आजाद कर दे, चाहे तो रख ले। जितने लोग बड़े बड़े ओहदों और मकामात पर पहुँचे हैं, इसमें इनके उस्ताद की मेहनत भी शामिल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का दिल से एहतराम करें। शुक्रिया। अटेंशन, स्टडीज